निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी इंटरनेशनल दुनिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़ी धूमधाम से, शान शौकत से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवां मोहम्मद बशीर कादरी साहब की बारगाह में मैं हाजिर हूँ और एक इनके पास पैगाम लेके आया हूँ कि जिस तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जगह जगह पर चरागाह किया जाता है, झंडियाँ लहराई जाती है और पोस्टर और बैनर्स आवेजा किए जाते हैं, फिर इसके बाद इसको कोई हटाने की कोई जहमत गवारा नहीं करते हैं, क्योंकि जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं तो उसी कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी कहा जाए कि वो इसको पोस्टर को और बैनर को और झंडियों को हटा दे ताकि उसको बेहरमती से बचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत साहब, थोड़ा सा आप अपना, आपकी बहुत सी बातें लोग सुनते हैं, इसके ऊपर अमल करते हैं, तो थोड़ा सा ये पैगाम आप अवामुन्नास को ये बता दें कि वो झंडियों को जिस तरीके से अदब तहज़ीब के साथ लगाते हैं, इसी तरीके से अदब और तहफ़्फ़ुज़ के साथ इसको हटा दें ताकि बेहरमती से बचाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स जानता है कि इस्लाम में बेहरमती बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। सरकार करीम का नाम हो या सरकार करीम की नारे शरीफ हो या सरकार करीम का गुम्बद खजरा हो, अगर आप खुदा नखास्ता अपने हाथ से कभी भी ज़मीन गिरने नहीं देंगे, जब आप गिरने नहीं देंगे तो फिर आपको चाहिए कि आप जो लगा रहे हैं जगह जगह पर, जब ये त्यौहार ख़त्म हो जाए तो उसे हटा भी दें, उसको तोड़वा दें, वरना आपके ज़रिए अगर ये बेहरमती होगी तो ये गुनाह होगा। अल्लाह ताला हमें बेहरमती से बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, दूसरा जो है न्याज फेंकी जाती है उस तरीके इस्लाम में अनाज की तज़ीम फ़र्ज़ है और ये न्याज फेंकना ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह इस मुल्क को इस गुनाह कबीरे से बचाए, आमीन।